बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंपल मशीन्स में न्यूमेरिकल नंबर वन देखेंगे। अ फिश वेइंग 3 kg इज हैंगिंग, ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया। इससे पहले ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी फिशिंग रॉड है और ये इस पर रस्सी लगी हुई है जिस पे ये है हमारी गोल्डन फिश, इस पे हैंग हुई हुई है। ठीक है, ये फिशिंग रॉड का हैंडल हो गया और ये किसी किस्म की सपोर्ट से ये जुड़ी हुई है। और फिश वेइंग 3 kg, तो इस फिश का वजन कितना है, इसका 3 kg है। इट्स हैंगिंग वन एंड ऑफ द 2 meter लॉन्ग फिशिंग रॉड और हमारे पास इस फिशिंग रॉड की लेंथ कितनी है, टोटल ये 2 meter है। हाउ मच एफर्ट इज सप्लाइड, हाउ मच एफर्ट इज सप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द फिशिंग रॉड व्हेन द फल्क्रम इज 0.5 meter अवे। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये क्या है, ये हमारा फल्क्रम है। ये मेरा फल्क्रम है और ये कितने किस पे कितने 0.5 meter अवे फ्रॉम द सेंट। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है क्या है, ये 0.5 meter है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 - 0.5 होगा, जिस 1.5 meter। तो यहां से लेके यहां तक का क्या होता है, ये लोड आर्म होगा LA। और यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहां से एफर्ट लगेगी ना, फोर्स यहां से लग रही, तो ये एफर्ट यहां से लग रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम एफर्ट आर्म कहेंगे। लेट सपोज मैं EA से डिनोट कर लेता हूँ, ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं ऐसे ही लिखा है। चलिए अब देखते हैं कि लोड हमारे पास 3 kg है और एफर्ट आर्म मेरे पास 0.5 meter है, लोड आर्म मेरे पास 1.5 meter है। सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना है, when the fulcrum how much effort मुझको मालूम करनी है कि भाई कितनी एफर्ट लगेगी कि ये फिश को मैं इसको मैं रेज कर सकूं, मतलब उठा सकूं। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो हमारे पास लोड हमें पता है, लोड कितना है 3 है, लोड आर्म कितना है 1.5 है, एफर्ट हमको मालूम करनी है और एफर्ट आर्म कितना है हमारे पास 0.5 है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0.5 के नीचे आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफर्ट इज इक्वल टू 3.1.5 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल टू 90 newton। आइए अब एफर्ट तो हमारे पास आ गई, अब हमें क्या मालूम करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। ये मैकेनिकल एडवांटेज देखेंगे, मैं मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट होगा। एफर्ट हमारे पास आ गई है 90 newton है अब, और हमको अब क्या मालूम करना है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर क्या होता है, एफर्ट आर्म ओवर लोड आर्म होता है। तो एफर्ट आर्म हमारे पास कितना है 0.5 meter है और लोड आर्म कितना है हमारे पास 1.5 है। 0.5 को 1.5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.33 आंसर आएगा हमारे पास।